What is up, Shoes Army? कैसे हो आप सभी लोग? आज की वीडियो में हम लोग दोबारा से खेलने वाले हैं हमारी ऑसम गेम को, जिसका नाम है हिल क्लाइंब रेसिंग 2। जल्दी से जाओ, खाने पीने का सामान लेके आ जाओ, गेम को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ऑलराइट शूज आर्मी, गेम मेरी हो चुकी है स्टार्ट। वेलकम इन हिल क्लाइंब रेसिंग गेम के अंदर। और आज की वीडियो में मैं अपनी सुपर बाइक को अपग्रेड करने वाला हूँ, क्योंकि इसको खोले हुए काफी ज्यादा टाइम हो चुका था। और साइड पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास 2 लाख समथिंग कॉइन्स है, जिसकी बदौलत मैं अपनी सुपर बाइक को अपग्रेड कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ इसको, अगर ये लेवल 9 या फिर 10 की होगी ना, तो आज की वीडियो में ये चलाने लायक हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इसके साथ ही रेसेस को खेलने वाला हूँ। ऑलराइट, यहाँ पर मेरी सुपर बाइक जितनी अपग्रेड हो सकती थी उतनी मैंने कर दी है। अब वापस चलते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ना करेक्टर चेंज करते हैं, क्योंकि पहले वाले करेक्टर से बहुत खेले हमने, तो मैंने सोचा थोड़ा इसके लुक्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास टोपी के नाम पर ये स्नो वाली टोपी मैंने लगा लिया, और इसकी वाइट बियर्ड लगा लेते हैं। हाँ, हाथ में पकड़ने के लिए और कुछ है नहीं। चलो भाई, आज की रेस फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा टारगेट है कि मेरे को भाई चैलेंजर 2 तक जल्दी जल्दी पहुँचना है। पिछली वाली वीडियो में पहुँच गया था, ये वाली वीडियो में मैं चैलेंज 3 पे जाता, लेकिन गेम वाले भाई मेरी प्रोग्रेस से जलते हैं, वो नहीं चाहते मैं आगे बढ़ूं। ओके, यहाँ पर मेरी रेस स्टार्ट हो चुकी है और मेरी पोजीशन चल रही है सेकंड। ये सेकंड पोजीशन मेरी क्यों चल रही है? इसको अपग्रेड करने का कोई फायदा नहीं हुआ क्या? पलट गया। अरे यार, यहाँ पर स्टंट मारने को थोड़ी ना बोला था सुपर बाइक मैंने। कोई ना, सेकंड राउंड यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस बार हमारा फोकस है कि हमें फर्स्ट आना है। और इस बार जो व्हीकल्स आ रखे हैं वो आ रखे हैं 2 बगी और 1 स्पोर्ट्स कार। कोई बात नहीं, इस बार कोई स्टंट नहीं मारना है, ठीक है? आराम से चला, हम जीत जाएंगे। और ये जो 2 बगी वाले मेरे पीछे आ रहे हैं ना, पीछे रहो, मैं आऊंगा फर्स्ट। अपग्रेड करने का वैसे थोड़ा बहुत तो फायदा हो गया है, क्योंकि अगर मैं इसको लेवल 1 या फिर लेवल 2 पे चलाता ना, बहुत स्लो चलती है यार बाकी गाड़ियां, नूब से प्लेयर मेरे से आगे निकल जाते हैं। ओके, इधर फर्स्ट आ चुके हम, थर्ड राउंड को स्टार्ट करते हैं और आई थिंक ये लास्ट राउंड होगा। और यहाँ पर मेरे को परफेक्ट स्टार्ट मिला है, इसका मेरे को फायदा उठाना है। और इस सुपर बाइक के साथ मैं आने वाले 3 लेवल्स को खेलने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को इसका टेस्ट लेना है कि अपग्रेड करने के बाद ये थोड़ी बहुत पावरफुल हुई है कि नहीं। बाकी जो बाकी के लेवल्स बचेंगे ना, उनको बाकी व्हीकल्स के साथ खेलेंगे। और अभी तो हमारी फर्स्ट पोजीशन चल रही है, पीछे से कोई भी कार नहीं आ रही है, बस तू आराम से चला। सामने की तरफ है फिनिश पॉइंट और यहाँ पर आ चुका है फर्स्ट। नेक्स्ट लेवल गाइज, यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका है। और एक बार ये चेक मारो, देखो मेरे को सुपर बाइक की एक स्किन मिली थी जो कि मैंने लगा ली। अब मेरी सुपर बाइक कितनी ढासू लग रही है यार, कितनी ऑसम लग रही है, अब लग रही है ये शूटर लेवल की। बस इस स्किन के साथ मेरे को रेस भी जिता दे। भाग दिया यहाँ पे इसने, 2 बंदे आगे निकल चुके हैं। अबे तीसरी वाली गाड़ी भी आगे निकलेगी, भाई साहब क्या कर रही है? देखो तो स्किन लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, हमारे पास सेकंड और थर्ड राउंड बचा है, इसके अंदर हमें अच्छा प्रदर्शन हमें अपना दिखाना है ताकि हम फर्स्ट आ सकें। इस बार कोई कांड नहीं करने है सुपर बाइक, मैं तेरे को पहली वॉर्न कर रहा हूँ, इस बार हमें फर्स्ट आना है। पीछे से ये जो बगी आ रही है इसको हमें बीट करना है। फ्यूल हमें मिलता जा रहा है, वैसे मेरे को फ्यूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी नीचे आप लोग देख सकते हो टैंकी एकदम फुल है। शुक्र है मैंने आफ्टर बर्नर नहीं लगा रखा इस पर, वरना तो भाई खत्म। ओके, यहाँ पर फर्स्ट आ चुके हैं हम लोग सेकेंड राउंड, ये लास्ट राउंड बचा है। इसमें भी अगर फर्स्ट आ गए ना, तो ओवरऑल पोजीशन हमारी फर्स्ट आ जाएगी। परफेक्ट स्टार्ट का भी यहाँ पर इसके साथ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ आगे निकल ही जाती हैं और ये ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं है। करूँगा इसको मैं काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड करूँगा। एक टारगेट बनाते हैं कि आने वाली 3 वीडियोज़ में ना इसको मैक्स करेंगे, मतलब वो इंजन वगैरह मैक्स करेंगे। पार्ट्स वगैरह यार मेरे को ना मैक्स करने में थोड़ा आलस आता है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेते हैं। ओके, यहाँ पर मैं सेकंड आ गया यार, कोई बात नहीं। नेक्स्ट राउंड यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है। जंगल वाला कप आ रखा है यहाँ पे, और आराम से चलाइए भाई, यहाँ पर तो बहुत पेड़ पूड़ है, पेड़ पे सर बच गया ना हम आउट हो जाएंगे। ये मोटोक्रॉस वाला, शर्म नहीं आ रही तुझे मेरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है? अबे यार, ये किसने कहा था तू इतनी स्पीड में चला? मैं तो आराम आराम से चला रहा हूँ, अब कोई गलती नहीं करूंगा, अब बिल्कुल गलती नहीं करूंगा, अब आराम से। अबे यार सर, हेलमेट पहन ले भाई, हेलमेट इज नेसेसरी। ओके, यहाँ पर थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है। ये बंदा हेलमेट नहीं पहनता ना, तभी कहते हैं हेलमेट पहन के भाई गाड़ी चलाया करो। ले फूट गया ना सर, मजा आ गया। चलो भाई नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करते हैं। पिछले वाला लेवल तो टट्टी था एकदम, किस्मत मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है। इस वाले राउंड में देखिए, देखना मेरी किस्मत मेरी साथ। और इस राउंड में जो व्हीकल आ रखे वो आ रखे स्पोर्ट्स कार, रोटेटर और बगी। कोई बात नहीं, इनसे हम फर्स्ट आ जाएंगे। मेरे को अपनी सुपर बाइक पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। सामने की तरफ जो फ्यूल था वो मैंने ले लिया, जो कि मेरे को जरूरत भी नहीं थी यार। क्यों पलट रहा है यार,
सेकंड राउंड यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस बार मेरे को परफेक्ट स्टार्ट मिला। अब पलटा ना तू, सही में मेरे को गुस्सा आ जाएगा, मैं अम्मा वैन पे आ जाऊंगा। आराम से चला ले, हल्की से इसको रेस दे दो, ये तो भाई पूरी मुड़ जाती है यार बाइक। और वो देखो रोटेटर वाला कितना तेज भगा रहा है अपनी रोटेटर, इसको बीट कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते क्योंकि ये फिनिश पॉइंट पर पहुंच चुका है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट राउंड पे बढ़ते हैं हम लोग और जल्दी से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट स्टार्ट चाहिए मेरे को। हाँ, मिल गया मेरे को परफेक्ट स्टार्ट, पर फायदा ही नहीं है कुछ, बाकी व्हीकल्स मेरे से आगे ही निकल जाएंगे। इसको अपग्रेड करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है, पैसे वेस्ट हुए हमारे। वो देखो बग्गी वाला कितने आगे निकल रहा है, बस इसको बीट कर दे ब्रो, सुपर बाइक प्लीज इसको बीट कर दे। घंटा बीट करेगा, पीछे से स्पोर्ट्स कार भी तो आ गई, लो निकल गई ब्लू कलर की स्पोर्ट्स कार आगे, सामने फिनिश पॉइंट है और इस लेवल आ चुके हैं हम लोग थर्ड। नेक्स्ट राउंड यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। भाई साहब कितने राउंड है इसमें, तीन तो वैसे खेल चुका हूँ मैं, ये चौथा राउंड स्टार्ट हुआ है क्या? इस बार भी मेरे को परफेक्ट स्टार्ट मिला है। इस बार अगर तू हार गया ना, तूने नाक कटवा दी फिर मेरी। अब बंदे सोचेंगे कि भाई ये देखो कैसी है तुम्हारी स्पोर्ट्स बाइक, जिता भी नहीं सकती तुम्हें। आराम से आराम से आराम से, फ्लो में नहीं आना है यहाँ पे। निकल गया बग्गी वाला तेरे से आगे, नूब कहीं की नूब कहीं की नूब कहीं की। नहीं बहुत अच्छा, आप स्पोर्ट्स बाइक आप फर्स्ट आ चुके हो, लेट्स गो। नेक्स्ट राउंड यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है और इस बार मैं लेके आया हूँ अनबीटेबल बगी। अनबीटेबल बगी के आगे कोई नहीं बोल सकता भाई, कोई भी नहीं। ये बस वाला जो पीछे से आने का बहुत ट्राई कर रहा है ना, मेरे को पता चल चुका है तेरी सारी स्कीम्स। अबे 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 कितनी तेज निकल गया ये आगे, और पूरा भाई मैंने रेस वाले मीटर पे दबा के रखा है फिर भी ये फर्स्ट आ गया। शिट, आज की तो किस्मत खराब है भाई मेरी। कोई बात नहीं, इस बार मेरे को परफेक्ट स्टार्ट मिला है। हारना भी चाहिए यार जिंदगी के अंदर, ऐसे थोड़ी ना कि तुम सिर्फ जीतते रहोगे, तब क्या फन है, हारो। जब तक तुम लोग हारोगे नहीं तब तक जीतने की तुम्हें कीमत नहीं पता चलेगी, तो हारना इज नेसेसरी फॉर एवरीवन। मोटिवेशन स्पीकर शूटर इज हियर टू गाइड यू। ओके, यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पोजीशन चल रहे हैं। अब क्या हो गया, बस वाले निकल गई सारी एकेडी, पिछले राउंड में तो बहुत फर्स्ट आया था तू, अब आना। ऑलराइट, थर्ड राउंड यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका है और मेरे को परफेक्ट स्टार्ट मिला था। बस आराम से चलाओ, बस वाले को आगे नहीं जाने देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बेइज्जती करवा ली मैंने, अब जीतना है सिर्फ। निकल निकल, अब क्या हो गया, अब निकलना आगे, पहले राउंड में तो बहुत फर्स्ट आ गया था तू, अब क्या हो गया, निकल गई एकेडी, कोई ना मैं आ जाता हूँ फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट राउंड यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका है और इस बार मैं लेके आया हूँ अपनी मसल कार। मसल कार को भाई मैंने 18-18 लेवल तक अपग्रेड कर रखा है। वैसे मैं मसल कार को मैक्स भी कर सकता था, लेकिन जब मेरी नज़र पड़ी ना इसको मैक्स करने के लिए कितने कॉइन्स लगेंगे, भाई मेरी मौत हो गई यार। बहुत पैसा मांग रही थी यार इसको मैक्स करने के लिए, तो मैंने इसको 18-18 लेवल पे छोड़ रखा है। हाँ, कभी इन फ्यूचर इतना ज़्यादा अगर मैं कॉइन्स कलेक्ट कर लूँगा ना तो इसको भी मैक्स कर दूंगा, तुम लोग टेंशन मत लो। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट राउंड आ चुके हैं फर्स्ट। सेकेंड राउंड यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो चुका है विद माई मसल कार। और ये जो बाकी के प्लेयर्स आ रखे हैं ना, इनको लग रहा होगा कि भाई हम आएंगे फर्स्ट, हम आएंगे, इनको क्या पता है कि शूटर खेल रहा है गेम, और शूटर की मसल कार है ये, ऐसे तुम नहीं आ सकते फर्स्ट। और हाँ, मैंने एक कमेंट देखा था, उस भाई ने बोला था कि भाई टीम इवेंट भी खेलो, तो भाई मेरी टीम में बंदे ही लीव कर गए यार, ऑफलाइन हो गए, उन्होंने गेम खेलना छोड़ दी, तो कैसे खेलूँ टीम इवेंट। ओके, सेकंड राउंड भी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं फर्स्ट। थर्ड राउंड हमारा स्टार्ट हो चुका है इन 3-2-1, परफेक्ट स्टार्ट हमें मिला है। तीन बार जीतने की आदत पड़ चुकी है मेरे को, गंदी आदत। और ये लोग सोच रहे होंगे कि इस राउंड में तो हम ही फर्स्ट आएंगे, हम ही फर्स्ट आएंगे, लेकिन इनको कौन बताए यार कि शूटर खेल रहा है गेम। शूटर की मसल कार है ये, तुम नहीं आ सकते फर्स्ट। ये थर्ड राउंड भी मैं ही आऊँगा फर्स्ट, देख रहे हो तुम मेरी मसल कार को कितनी स्पीड में जाके फर्स्ट आ चुकी है। ओके गाइस, नेक्स्ट राउंड यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं लेके आया हूँ स्पोर्ट्स कार, अपनी गोल्डन स्पोर्ट्स कार को लेके आया हूँ, क्योंकि इसको भी मैंने 18-17 लेवल का, हाँ इतना ही अप्रोक्स अपग्रेड कर रखा है। और ये भी तगड़ी कार है हमारी लिस्ट की। वैसे मैं आज सोच रहा था, जब मैं वीडियो बनाने बैठा था ना, मैंने आज सोचा था सिर्फ मैं ना वो ही चलाऊंगा, बाइक वगैरह, मोटोक्रॉस वगैरह, स्कूटर वगैरह, पर मेरा दिमाग चेंज हो गया थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं ऊपर से गिर चुका हूँ, बाकी प्लेयर्स में से एक बंदा आगे निकल गया मेरे से, लेकिन उसको निकलने नहीं दूंगा। फर्स्ट पोजीशन तुम्हारे भाई की चल रही है। फ्यूल कितना है, पूरी टंकी भर रखी है, जितना महंगा फ्यूल चल रहा है ना उतनी तो टंकी भरवा देते हम। ओके, फर्स्ट आ चुके हैं यहाँ पे, नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट कर दिया जाए। और स्पोर्ट्स कार के ऊपर यार कुछ भी नहीं लगा रखा है, अगर मेरा सर बच गया ना कहीं पर, मुंडी टूट जाएगी मेरी और मैं आउट हो जाऊंगा, डीएनएफ हो जाएगा।
और मैंने एक कॉमेंट और देखा था, उस भाई ने बोला था कि भाई एडवेंचर भी खेलो, तो आने वाला भाई एडवेंचर, बस ये थोड़ी सी हम रेस खेल ले, क्योंकि रेस खेलना ना यार इम्पोर्टेंट है, मेरे को अपनी ना थोड़ा सा रैंक बढ़ाना है। मैंने कब से कह रखा है कि भाई मैं लेजेंड पे जाऊंगा, लेजेंड पे जाऊंगा, लेजेंड पे जाऊंगा, मैं जाता ही नहीं, गेम खेलना छोड़ देता हूँ पता नहीं क्यों। चढ़ 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 चढ़, हाँ सही है सही है सही है, बाकी प्लेयर्स कोई भी नहीं आ रहा है हमारे पीछे। सेकंड राउंड में हम लोग आ चुके हैं, फर्स्ट नेक्स्ट राउंड पे बढ़ते हैं, ये लास्ट राउंड है। इस बार भी स्पोर्ट्स कार हमें फर्स्ट चाहिए, इस बार कोई बकचोद ही नहीं, परफेक्ट स्टार यहाँ पर हमें मिला है। और मैंने तुम्हें बताया नहीं इस राउंड में कौन कौन से व्हीकल आ रखे, इसमें आई है हिल क्लाइंबर, और ये इस बाइक का क्या नाम होता है यार, मेरे को कमेंट्स में बताना, मैं भूल गया। थैंक यू ये रैंप खोलने के लिए, अब मैं आराम से जा सकता हूँ, बस कोई गलती नहीं, आराम से आराम से आराम से, रिस्क नहीं लेना है बिल्कुल भी। ये तीनों के तीनों राउंड हमें फर्स्ट चाहिए। शुरू में तो भाई सुपर बाइक ने तो बहुत दिमाग खराब किया, मैंने यार नहीं पलटना था, तूने भी सुपर बाइक की तरह दिमाग खराब किया। ओके अब हम थोड़ा सा एडवेंचर को खेलने वाले हैं, साइड पे आप लोग देख सकते हो एक मिशन आ रखा है सुपर बाइक का, तो मैं अपनी सुपर बाइक को एडवेंचर के अंदर लेके जाने वाला हूं। और ये जो साइड पे आप जितने मीटर मेरे को जाना है ना, हाँ इसको आज मैं बीट करने वाला हूं अपने खुद के टारगेट को। और टाइम टू टाइम हमें फ्यूल भी कलेक्ट करते रहना है ताकि हमारी गाड़ी का फ्यूल ना खत्म होए, और ऐसे जो मेरे को कीज़ मिलेगी इसको भी मेरे को कलेक्ट करना है ताकि इसको मैं चेस्ट खोल सकूं, और चेस्ट के अंदर से हमें बेहतरीन बेहतरीन रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और ये जो आप साइड पे जितने मीटर देख पा रहे हो इसको मेरे को बीट करना है, और ये जो चेस्ट है ना मेरे को ये भी कलेक्ट करनी है। आज की वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं कि आज मेरे को 5 चेस्ट तो कंप्लीट करनी है। तो आराम से अपनी स्पोर्ट्स बाइक को चलाओ, बिल्कुल भी ठुकनी नहीं चाहिए, और कोई बकचोद ही नहीं होनी चाहिए यहाँ पे कि पलट जाए तू, आराम से चलाएंगे, बहुत टाइम है अपने पे। फ्यूल 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 लेते रहे, अबे यार इसका आगे का टप्पा उतर क्यों जाता है, और ये अलग ही लुक ले लेती है भाई स्पोर्ट्स बाइक अगर इसका आगे का वो खुल जाता है, जब सेकंड फॉर्म अनलॉक कर लेती है। आराम से चला, आराम से प्लीज आराम से चलाओ, रुक जा पीछे आ जा पीछे आ जा पीछे आ जा, रिस्क नहीं लेना यहाँ पे। और इस फॉरेस्ट वाले कप में ना मैंने एडवेंचर में बहुत गाड़ियां भगाई हैं यार, मेरा जो हाई स्कोर होगा ना वो तो काफी ज्यादा होगा इस फॉरेस्ट वाले कप में, सिर्फ इसी कप में, बाकी कप में मैं पलट जाता था जल्दी जल्दी। इस वाले में तो मैंने बहुत आगे तक अपनी जो अनबीटेबल बगी है ना वो तो काफी आगे तक पहुंचाई है मैंने। ओके यहाँ पर हमने न्यू रिकॉर्ड बना दिया, अपने टारगेट को हमने बीट कर दिया, बस अब मेरा थोड़ा सा एक टारगेट बचा है कि 5 चेस्ट मेरे को जो कलेक्ट करनी है वो करते हैं, और टाइम टू टाइम मेरे को फ्यूल भी लेते रहना है। इस लॉग से भी बचना, अगर ये सर पे बच जाता ना मुंडी अलग हो जाती है यहाँ पे। और जब मैं पहले वीडियोस बनाता था ना उसमें लोग कहते थे कि आपके पास इतने ज़्यादा कॉइन्स कैसे आते हैं, तो मैं ना सारा टाइम एडवेंचर से खेलता रहता था डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के साथ, तभी मैं इतने सारे कॉइन्स कलेक्ट कर पाता था। सबसे बेटर वे है, आपको अगर ज़्यादा कॉइन्स चाहिए ना तो एडवेंचर खेलो दबा के। 3 चेस्ट यहाँ पर हमने कलेक्ट कर लिए है, बस 2 और चेस्ट करनी है, हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और न्यू रिकॉर्ड तो मैं नया बना ही रहा हूँ, जहाँ तक मैं जा सकता हूँ ना वहाँ पर मेरा एक न्यू रिकॉर्ड बन जाएगा, फिर अगली टाइम मेरे को उसको बीट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पीछे आके एक फ्यूल ले लिया क्योंकि मेरा फ्यूल ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, अगर मेरा फ्यूल बीच में ख़त्म हो जाता ना और मेरे चेस्ट वाला टारगेट भी कंप्लीट नहीं होता, बहुत बुरा लगता मेरे को। आराम से आराम से आराम से, यहाँ पर हो सकता है कांड, अभी मेरे को लगा यहाँ पे हो गया कांड, पलट गया मैं। वैसे अपग्रेड करने का थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ ही है कि ये स्पीड इसने ज्यादा बढ़ा ली अपनी, और ऐसे ऐसे पहाड़ों पे अब चढ़ जाते हैं आराम से। जब मैं इसके साथ लेवल 1 और लेवल 2 पे खेलता था ना भाई, पहाड़ों पे नहीं चढ़ पाती थी ये, और अब देखो ऐसे ऐसे पहाड़ों पे चढ़ जाती है ना जैसे मक्खन हो। फ्यूल फ्यूल फ्यूल, ऊपर की तरफ है फ्यूल जो कि मैंने ले लिया है, 4 चेस्ट मेरे को मिल चुके हैं, बस एक और मिल जाए मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर चाहे मैं पलट जाऊँ फिर मेरे को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मेरे दोनों टारगेट तो कंप्लीट हो ही गए हैं। और साइड पे आप लोग देख सकते हो बस मेरे को इतना मीटर और जाना है और हमें एक और चेस्ट मिल जाएगा और हमारा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, बस जो ये सामने पहाड़ देख पा रहे हो इसको मेरे को पार करना है और मेरे को एक चेस्ट मिल जाएगा, बस आखिरी चेस्ट मेरा मिल गया भाई, 5 चेस्ट मेरे हो चुके हैं। आप जब तक मैं आउट नहीं होता ना तब तक चलाते रहते हैं। वैसे मेरे को कीज सिर्फ 2 ही मिली है यार, मैंने सोचा था 3-4 मिल जाएगी।
और नीचे आप लोग जो ये नंबर देख पा रहे हो ना स्टार के बाद से, हाँ तो इतना मीटर हम और आ चुके हैं अपने वो जो जो हमें वो मिला था ना न्यू रिकॉर्ड हमने तोड़ा था उसके बाद से इतना मीटर और आ चुके हैं और यहाँ पर आउट हो गया, ऊपर एक की थी, कोई बात नहीं। चलो गाइज आज की वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब दबा के करना रुकने चाहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।